आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो टॉपिक भी पार्ट फर्स्ट ईयर का है, जो आपका प्रतिभाग फर्स्ट पेपर, जो कि कबीरदास जी का है। तो कबीरदास जी के प्रश्न जो है आते हैं कभी, जैसे कबीर के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, कबीर के काव्य की विशेषता बताइए, कबीर कभी ही नहीं एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं, और कबीर भाषा के डिक्टेटर भी कहे जाते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, समझना और पॉइंटों को लिख लेना, क्योंकि आपकी एग्जाम को देखते हुए बना रहा हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्राइवेट जो है कंपलसरी जो पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है, जो ऑप्शनल पेपर हिंदी है उसमें भी पूछा गया है, तो फिर रेगुलर आपके भी ये आ सकता है, रिपीट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो देखिए, अपन संक्षिप्त थोड़ा सा कबीरदास जी के विषय में, यूँ तो मैंने सारा कुछ क्लास में बता दिया है, लेकिन कबीरदास जी का जन्म जो है वो कितना है, 1398 ईस्वी दिखाया गया है, जो कि कहाँ है, काशी लहर तालाब के किनारे उनका जन्म होता हुआ दिखाया है, और मृत्यु जिनकी दिखाई है 1519 मगध, दोनों ही जन्म और मृत्यु दोनों ही यूपी में है। जन्म के विषय में बहुत सारी अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, कोई कहता है कि ब्राह्मणी औरत की संतान है जो विधवा थी तो लोकलाज की निंदा की वजह से इसको त्याग दिया था, कोई कहते हैं कि यह स्वयंभू है, खुद ही जन्म हुआ है लहर तालाब के किनारे, तो कुछ कह पाना संभव है, लेकिन जो भी है ये जिस तरह से लहर तालाब में मिला है तो वो कौन है, नीरू और नीमा जो जूल्हा परिवार से संबंधित है, उन्हीं को ये मिला है और उन्हीं ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो वैसे जाति से नीरू नीमा कौन थे, मुस्लिम समुदाय के, इसीलिए इसको भी मुस्लिम मान लिया गया। तो उसके बाद में ये बड़े हुए हैं, और कहा जाता है कि कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे नहीं, और ये बताया भी है इन्होंने अपने काव्यों में, लिखा है कि मसीह कलम छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो कागज और कलम तो छुआ तक नहीं है, लेकिन इनको दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसी को इन्होंने साखी शब्द और रमेनी जो है वो बीजक के रूप में लिखी गई है, उसी में सारी चीज़ें इनकी संकलित की गई है। और ये भी लिखा है, जन्म के विषय में लिखवाया है इन्होंने, काशी में अंतर्गत भये रामानंद चेता, इसका मतलब काशी में इनका जन्म हुआ है और गुरु के रूप में इनका रामानंद है, गुरु जी कौन है, रामानंद है। तो ये सब कुछ उन्होंने स्वयं लिखा है या लिखवाया है। तो कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, और जो कि किस धारा के कवि हैं, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा, ज्ञान मार्गी धारा, या फिर संत काव्य धारा, कुछ भी बोलो एक ही बात है, ज्ञान मार्गी धारा बोलो, संत काव्य धारा बोलो, तो ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख संत के रूप में इनको जाना जाता है, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर जो सगुण काव्य धारा है उससे अपने अलग धारा का विकास किया है, और उसका प्रचार प्रसार करके पूरे संसार में ईश्वर को एक ही ईश्वर के बाद में स्थापित कर दिया है। कोई जरूरी नहीं, इनका मानना है कि मंदिर मस्जिद जाना, उनकी पूजा करना, अर्चना करना कोई जरूरी नहीं, कि मन में मन की पवित्रता शुद्धता पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि मंचन का तो खटूटी में गंगा, सीधी बात है कि अगर आपका मन पवित्र है तो ईश्वर आपके पास है।
क्योंकि जैसे इन्होंने लिखा है, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन में पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है। अगर मन पवित्र है शुद्ध है तो मैं तेरे पास हूँ, स्पष्ट लिखा है इन्होंने। तो उसको भजन संकीर्तन और प्रभु को प्रेम के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। और प्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है इन्होंने, क्योंकि जो बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, जो ये कहते हैं कि मैं भागवती पंडित हूँ या वेदों का ज्ञाता हूँ, उसको नहीं मानता। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगूं वा पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मैं तो उसी को पंडित मानता हूँ जो प्रेम तत्व की महिमा समझे, क्योंकि प्रेम को समझने वाला जो आदमी है ना, वो कैसा होगा, करुणा दया उदारता से भरा हुआ होगा, और वही मानव मात्र की सेवा कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रेम तत्व पर बल दिया है। तो इस तरह से कबीरदास के विषय में संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा इन टॉपिकों के विषय में भी थोड़ा सा बात करनी है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो लिखा है, काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, समझ लो, या फिर काव्य सौंदर्य की जगह पूछा जाता है काव्यगत विशेषता है। तो काव्यगत विशेषता जो होता है वो ध्यान रखना, काव्यगत विशेषता जो होता है उसमें दोनों चीज आती है, समझ लो। अभी काव्य सौंदर्य है, तो ये काव्य सौंदर्य इसकी जगह आप क्या कर लो, काव्यगत, काव्यगत विशेषता है। अरे काव्यगत विशेषता में दोनों चीज आती है, ध्यान रखना। काव्यगत विशेषता महापक्ष भी आता है और कला पक्ष भी आता है। कला पक्ष से काव्य सौंदर्य में परिणित हो जाता है, क्योंकि भाव पक्ष का मतलब क्या होता है, अरे भाव पक्ष का मतलब तो ये होता है जो कवि ने पाठ लिखा है ना, उसमें किस तरह की वर्ण विषय रखा गया है और अपनी भावनाओं को किस तरह से, किस तरह के विचारों को दिखाया गया है, किससे संबंधित समझाया गया है, वो सामान्य विशेषताएं सारी भाव पक्ष के अंतर्गत आती है। और जब काव्य सौंदर्य में आप शामिल करोगे कला पक्ष, तो फिर कला पक्ष के अंतर्गत फिक्स गिने चुने पॉइंट होते हैं जो सब में चलते हैं। अरे सीधी बात है कि उसमें भाषा वाला चलता है, कि भाषा है, छंद है, अलंकार है, और क्या है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, और क्या है, लोकोक्ति मुहावरे हैं, ये सारे के सारे किस में चलते हैं, जो सौंदर्य प्रदान करने वाले, जो कलात्मक सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व हैं उसमें ये चलते हैं, जो कला पक्ष कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे पूछा जाए भाव पक्ष, तो केवल भाव पक्ष देना है। जब आपसे पूछा जाए कि कला पक्ष, तो केवल कला पक्ष के ही पॉइंटों को वर्णन करना है। और जब आपसे पूछा जाए काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत विशेषता, तो फिर दोनों का मिला जुला रूप आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो देखिए, काव्यगत विशेषता है, पहले जो काव्य में उन्होंने विशेषताएं लिखी है उनके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लिखे हैं मैंने, इनको समझ लेना, क्योंकि पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, गुरु का महत्व। अरे उनका मानना है कि संसार में गुरु के बिगड़ जीवन उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लालू पाए बलहारी गोरा, आपने जो गोविंद दियो बताए, क्योंकि गोविंद को बताने वाला जो है वो गुरु है। गुरु जब तक ज्ञान नहीं होगा, हमारे हृदय के अंदर ज्ञान के चक्षु जो है, नेत्र वो नहीं खुलेंगे जब तक हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। तो गुरु के महत्व के ऊपर पूरा संसार भव सागर को पार करना है, तो गुरु के विषय में उन्होंने लिखा है। तो ये उनकी काव्य की प्रमुख विशेषता है, गुरु का वर्णन किया है। एकेश्वरवाद का समर्थक, जो विभिन्न भिन्न प्रकार जो ईश्वर के रूप में मानता है ना, उनका उन्होंने शुरू से ही विरोध किया है। तो वो कहता है कि अरे चाहे उसको कोई कृष्ण मानो, कोई ब्रह्मा मानो, कोई विष्णु मानो, चाहे शिव मानो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि परम सत्ता एक है। तो एकेश्वरवाद का उन्होंने क्या दिया है, एकेश्वरवाद का अर्थात एक ही ईश्वर पर बल दिया है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि राम नाम का मरम न जाना,
राम नाम का मरम न जाना, तो मरम इसका मतलब कि लड़ते हैं झगड़ते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन राम नाम का जो मतलब है वो किसी ने नहीं समझा, वो एक ईश्वरवाद पर बल देते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, चाहे दुनिया अलग अलग रूप में कैसे भी माने। निर्गुण ज्ञान भक्ति, निर्गुण ज्ञान भक्ति, निर्गुण ज्ञान भक्ति का मतलब है निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, सारे गुणों से परे है, ऐसे ईश्वर की वो प्रार्थना करता है। और वो किसके माध्यम से करता है? भजन संकीर्तन सत्संग आदि के माध्यम से करता है। तो निर्गुण की भक्ति है, मंदिर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ आपके मन में आया, समय हुआ, आसन लगाया और आप उस प्रभु का भजन संध्या कर के आप उसका स्मरण कर सकते हो, तो निर्गुण ज्ञान की भक्ति है उनकी। मानव मात्र की सेवा, अरे उनका जो मानना है कि मानस देव जो है ये बड़े मुश्किल से मिलती है, और तुलसीदास ने भी ये बात बताई कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुमर सुमर नर उतरो पारा, अरे ये मानस तन है ये बहुत मुश्किल से मिलती है, तो प्रभु का नाम भजन स्मरण करने से ये देही तर जाती है। तो फिर ये क्या है कि मानव मात्र, अरे मानव मानव की सेवा, जो धर्म बताया है सबसे बड़ा कि मानव मानव की सेवा करनी चाहिए, दुख दर्द में हाथ बढ़ाकर घर परिवार सहयोग से रहकर चलना चाहिए, सारी बातें उन्होंने दी हैं। तो संसार की नश्वरता, संसार जो है, कबीर दास ने कहा है कि संसार जैसे सेवन का फूल, थोड़े दिन के लिए खिलता है फिर वो मुरझाकर नीचे गिर जाता है। और उन्होंने इस मानव तन के लिए भी इशारा किया है कि लागे बूंद विनश जाए पल में, गर्व करे क्यों इतना कि हे मानव ये शरीर कागज का पुतला है, इसके लिए इतना घमंड क्यों करता है, एक बूंद लगने से कागज छिन्न भिन्न हो जाता है। तो वही क्या है, ये शरीर का कोई पता नहीं कब तक रहता है, कब ये दुनिया से चला जाता है। पानी के रात उदास मानस की जात, देखत में ही छिप जाते जो तारा प्रभात, तारा प्रभात देखते देखते छिप जाते हैं। उसी तरह से कितने सारे लोग देखते देखते जन्म होते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये संसार की नश्वरता, संसार जो काम क्रोध लोभ मोह माया ये चार पांच चीजें हैं ना, ये आदमी को घेर लेती है। संसार नश्वर है, संसार झूठे के छलावे के अलावा और कुछ भी नहीं, इसलिए इस संसार को पार करने के लिए परमात्मा रूपी नाम की जरूरत है, उनका संकेत है। समन्वयवाद की भावना, समन्वयवाद का मतलब कि सबको एक जैसी दृष्टि से देखना, किसी को जो है मतलब ऊंच नीच जातगत भेदभाव जो है उनको इस तरह के भावनाओं से परे होता है, क्योंकि उनका मानना है कि मानव मानव होता है, चाहे ऊंचा है चाहे नीचा है, सबके अंदर वही खून है, वही चमड़ी है, वो सब कुछ वो मानने वाले हैं। तो समन्वयवाद जो एक जो है वो भावना का संदेश दिया है उन्होंने, सामाजिक कुरूतियों का विरोध। सामाजिक, अब सामाजिक कुरूति जो पॉइंट है वो समाज सुधार के अंतर्गत है, लेकिन इसी पॉइंट के अंतर्गत वो सारे के सारे पॉइंट समाहित हैं। यहाँ एक ही पॉइंट से काम चला दिया है कि कबीर दास ने सामाजिक कुरूतियों पर व्यंग किया है। अब सामाजिक कुरूति एक नहीं है, बहुत सारी कुरूतियाँ हैं, कोई भी पॉइंट ले लो वो सारी की सारी कुरूतियाँ हैं। समाज में फैलीगत बहुत सारी जातिगत भेदभाव और भाई आडम्बर दिखावा जो है, सारे के सारे चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सामाजिक कुरूतियों का विरोध किया है उन्होंने, जो ढोंग पाखंड है उनके ऊपर। मानव मन की शुद्धता, अरे उनका मानना है कि मानव मन अगर शुद्ध है तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आपके आकर पास आ जाएगा। क्योंकि जब तक हृदय में कपट कपाट लगे हुए हैं जब तक भगवान पास नहीं आता, क्योंकि मन की पवित्रता शुद्धता पर उन्होंने बल दिया है। तो प्रेम तत्व का महत्व, प्रेम, प्रेम को सबसे बड़ी सर्वोपरि मान्यता दी है उन्होंने कि मानव मात्र के अंदर प्रेम नहीं है ना। कारण क्या है कि प्रेम नहीं होगा उसके अंदर करुणा भी नहीं होगी, दया भी नहीं होगी, उदारता भी नहीं होगी, इसलिए प्रेम तत्व को सर्वोपरि माना है। समझ रहे हो आप? तो क्या दिया है कि प्रेम तत्व का महत्व दिया है उन्होंने कि मानव के अंदर प्रेम होना जरूरी है, जब भी जाके एक दूसरे मानव की सेवा, मदद, भाईचारा, करुणा, दया, ये सारी चीज़ों का आप अनुसरण
कर सकते हो। तो प्रेम तत्व का महत्व क्या, ग्रह अनुभूति की भावना, ग्रह अनुभूति, ग्रह अनुभूति को कैसे दिखाया है उसने, संसार में जो आत्मा परमात्मा का जो अलगाव है, आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, उस चीज़ को उन्होंने किसके माध्यम से दिखाया, जो लौकिक संसार का प्रेम है जिसमें औरत और आदमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आदमी प्रेम के माध्यम से को औरत को प्राप्त करना चाहता है, जैसे प्रेम मार्ग धारा के कवि हैं, तो उस चीज़ को इसमें दिखाने का प्रयास किया है उन्होंने। तो क्या किया है, ग्रह अनुभूति, इसका मतलब है कि आत्मा परमात्मा को पाने के लिए बहुत दिन से बिछड़ चुकी है, अब उसको ग्रह अनुभूति हो रही है अपने प्रियतम के अलग होने पर, ग्रह वियोग की स्थिति का चित्रण उन्होंने किया है। राम नाम स्मरण का महत्व, नाम स्मरण, नाम स्मरण किसका, प्रभु का, क्योंकि अभी मैंने क्या दिया था, मैंने कहा था कि सुमर सुमर नर उतरव पार, कलयुग केवल नाम आधार, उनका मातृशिकाष्टमानी है ये बात कि कलयुग केवल नाम आधार है, इस कलयुग में भगवान तो प्रकट नहीं हो सकते, उस भगवान का नाम इस भव सागर से आपको पार कराने वाला है। तो क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा, तुलसीदास ने इस बात को लिखा है। तो फिर उन्होंने भी कबीरदास जी के नाम स्मरण का महत्व दिया है, अरे भगवान के नाम से सेतुबंध रामेश्वर में पहाड़ के पार तिर गए थे, जो ठोस पत्थर था, जब ठोस पत्थर तिर जाता है तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका आप भजन स्मरण करोगे तो आप भी संसार रूपी सागर से तिरकर बेड़ा पार हो जाओगे। तो राम नाम के स्मरण का महत्व भी उन्होंने दिया है। तो ये क्या है कि भाव पक्ष की विशेषता है, ध्यान रखना, कारगत है अगर भाव पक्ष पूछे तो केवल यही पॉइंट है, और कारगत आती है तो उसमें कला पक्ष भी ऐड होता है, ध्यान रखना। अब कारगत कला पक्ष, कला पक्ष में ध्यान रखना भाषा शैली है, समझ लो, छंद का प्रयोग है और अलंकारों का प्रयोग है, तत्सम तद्वली शब्दावली का प्रयोग है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग है, समझ लो, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसमें आएंगी, आपके कला पक्ष के अंतर्गत आएंगी, इसी में ऐड कर देना अगर पूछे तो, और भाव पक्ष पूछे तो केवल ये ही आप रहने देना। अब सुनिए आप लोग कि समाज सुधार की प्रश्न आया है प्राइवेट में, तो समाज सुधार के रूप में तो सीधी बात है कि समाज के अंदर जो फैली हुई जो बुराइयां हैं उन सबको दूर करने का संकेत किया है कबीर, अरे इसीलिए कहा है कि कबीरदास कभी ही नहीं समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब समाज सुधार के रूप में उन्होंने कौन कौन सी बुराई को दूर करने का संदेश दिया है वो थोड़ा सा अपन का नोट कर लेना। तो क्या दिया है, अवतारवाद का विरोध, अरे समाज में विभिन्न वर्ग हैं और विभिन्न वर्ग कोई ब्रह्मा मानता है, कोई शिव मानता है, कोई महेश मानता है, कोई हनुमान मानता है, सब, तो वो कहते हैं कि भाई अवतारवाद का विरोध किया है, कोई अवतार नहीं, कोई राम कोई कृष्ण, परस्परम सत्ता एक की ओर इशारा किया है कि सत्ता है एक ही ईश्वर है। तो समाज में फैली हुई बुराई है, अवतारवाद का विरोध किया है, धार्मिक आडम्बरों का विरोध, जो धर्म के नाम पर जो विभिन्न प्रकार के आडम्बर फैलाने वाले लोग हैं ना उनका भी उन्होंने विरोध किया है, अरे हिंदू अपने धर्म पर आडंबर मतलब जो भी चीज़ें हैं करना चाहते हैं, मुसलमान हैं वो अपने धर्म पर वो करते हैं, और जो लोग हैं अपने अपने धर्म पर, तो वो सारी चीज़ों को धार्मिक समाज के अंदर धर्म आडंबर जो दिखाया है, समझ लो, उन सब का विरोध किया है कबीरदास ने। देखो इन सारे के सारे पॉइंटों को अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इन पॉइंटों में बीच बीच में दोहा वगैरह जो होते हैं ना वो थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि दोहा जैसे लिखोगे उदाहरण में नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। अब देखिए पाखंड और ढोंगों का विरोध, पाखंड और ढोंगों का विरोध, अरे समाज के अंदर आदमी रहता है तो ढोंग करता है पाखंड करता है, जब माला छापा तिलक सरेना ये को काज है, अरे जैसे दिया है कि कर का मन का डाल दे मन का फेर, समझ रहे हो आप, तो ये जब माला छापा तिलक सरेने को काल, तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं उन्होंने इन सबका पाठन ढोंग, मुंड मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार मुंडते भेड़ ना भैकुंठ जाए, भेड़ की ओर इशारा किया है,
तो बहुत सारी चीजें हैं जो पाटिल लोगों का विरोध किया है, उनका उन्होंने विरोध किया है। जाति पाति ऊंची, जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हुई, उनका मानना यह है कि कोई ऊंच नीच नहीं है। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हुई, जात पात का विरोध किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है दशरथ सुत लोग बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अरे दशरथ के राम को जानते हैं, बखानते हैं, लेकिन राम नाम शब्द का जो महत्व है ना, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो मूर्ति पूजा का विरोध, अरे जो मूर्ति पूजा है जो अपने अपने घर मंदिर मस्जिदों में की जाती है, उसका उन्होंने विरोध किया। इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, मन की पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है, बस भगवान का भजन स्मरण प्रेम से किया, बस भगवान आपके सामने है, कहीं दूर नहीं है। क्योंकि भगवान का अंश ही तो आपके अंदर है, तो भगवान दूर कहाँ है आपसे। बहुत सारे तर्क दिए हैं उन्होंने। तो मूर्ति पूजा जैसे उन्होंने पत्थर पूजे, हर मिले तो मैं पूजू, पहाड़ ताते पूछा के बलि जो पीस खाए संसार, हिंदुओं को भी समझाने का प्रयास किया है, और इधर मुसलमानों को भी तापर चढ़कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा, क्योंकि मस्जिद की ओर इशारा किया है कि कातर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तापर चढ़ कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विरोध, समाज जो जादू टोना ऊंच, जो समाज में जो अंधविश्वास है, है जो बलि है, बलि दी जाती है, जादू टोना है, जो टोटका है, ये सारे जो अंधविश्वास है ना, सबको दूर करके उन्होंने समाज को इन सारी कुरूतियों से बचाने का प्रयास किया है। मानव मात्र की एकता, अरे मानव मात्र उनका मतलब है कि संगठन, अरे मानव मात्र जो है वो संगठन कब रहेगा, जब मानव एक दूसरा एक दूसरे की सेवा करेगा तो ही वो संगठन रहेगा, नहीं तो संगठन नहीं रहेगा। तो मानव मात्र की सेवा और उसकी एकता की ओर, क्योंकि प्रेम जो है एक भावनात्मक जो प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, भक्त प्रेम, तो वो सारे का सारा मानव मात्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्या करता है, भावना एकता उत्पन्न करता है। आचरण की पवित्रता पर बल, क्योंकि देखिए आचरण सील जिसे कहते हैं, सील आचरण जो होता है ना उसकी पवित्रता की जो नैतिकता होती है, सील से जुड़ा हुआ शब्द है नैतिकता, आचरण से जुड़ा हुआ शब्द है नैतिकता। क्योंकि नैतिकता, अगर नैतिक आचरण गलत है तो आदमी का पतन हो जाता है, समझ लो। तो उसके लिए उन्होंने आचरण की पवित्रता पर बल दिया है कि आदमी का जो आचरण है ना वो पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो भगवान का प्रवेश कहीं दूर नहीं। तो परनिंदा का विरोध, परनिंदा जो दूसरों की निंदा करते हैं, अरे कभी अपने बारे में सोचने का मौका मिले तो अपने विषय में भी सोचिए, उनका संकेत है जो हमेशा दूसरों की ओर इशारा करके अपन बात करते हैं, तो हमेशा उंगली करके अपन कहते हैं, लेकिन सामने वाली उंगली एक ही तरफ हो रही है, लेकिन बाकी ये तीन उंगली है अपनी तरफ भी इशारा कर रही है कि भाई उसकी ओर उंगली करने से पहले अपने बारे में भी सोच कि मैं कैसा हूँ। तो परनिंदा की भी उन्होंने बात बताई है कि परनिंदा का विरोध किया है कि दूसरों की बुराई नहीं करनी है, उनके दोष को अपने ऊपर नहीं बढ़ाना है, अहंकार का त्याग। क्योंकि अरे अहंकार समाज के अंदर जो व्यक्ति अहंकार करता है ना, अपन कहते हैं ना ऊपर जो टूटता है वो नीचे गिरता है, अरे सीधी बात है कि अहंकार चैत्र भाव रावण और दशानन रावण के जैसे अहंकार का नाश हो गया तो हे मानव तू क्या जीव है। इसलिए इन सारी चीज़ों को समाज में फैली हुई कुरूतियाँ जो हैं इनकी ओर इशारा किया है। अब देखिए ये कपिल भाषा के डिक्टेटर, डिक्टेटर इसका मतलब भाषा पर पूर्ण अधिकार था कपिल का, कभी कभार इस प्रश्न को पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ये पॉइंटों को आप रिपीट कर लो कि अति गंभीरता, इसका मतलब है कि कबीर दास की जो दोहे हैं उनमें अति गंभीरता पाई जाती है, अपनी भाषा को पूर्ण मरो अपनी इच्छा अनुसार उसका रूप दे देते हैं, और उनकी अति गंभीरता होती है। मिश्रित भाषा, एक भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषा जो कबीर दास के काव्य है उसमें पाई जाती है, जो कि साखी शब्द रमैनी और बीजक रूप में संग्रहित की गई है। और सद्गुणी भाषा, सद्गुणी भाषा का मतलब है कि
सारे साधुओं को समाज होता है, सारे समाज के क्षेत्र विशेष से अलग अलग होते हैं, तो सबके मिलकर एक सदुकड़ी भाषा, और जिसको अपन खिचड़ी भाषा बोलते हैं, खिचड़ी भाषा बोलो, सदुकड़ी भाषा बोलो, तो कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, भाषा को सदुकड़ी भाषा का रूप भी दिया है। विशाल शब्द भंडार, क्योंकि विशाल साधु का समूह होता है तो उनके शब्दों का भंडार भी विशाल होता है, समझ। तो व्याकरण संबंधी दोष, अरे सीधी बात है कि साधु का समाज है तो व्याकरण अलग अलग क्षेत्र की भाषा है तो उसमें व्याकरण संबंधी दोष भी समाहित है। छंद अलंकार को प्रयोग, अरे छंद दोहा छंद में ज्यादातर लिखे गए हैं, और बहुत सारे जो छंद हैं उनके वो और अलंकार जिसमें रूपक उपमा प्रेक्षा और बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। प्रभावपूर्ण भाषा, ऐसी भाषा जो बराबर प्रभाव छोड़ती है। तो थोड़ा सा कबीर भाषा के डिक्टेटर थे ये आज कौन थे इनको देख लेना। काव्यगत कबीर की विशेषता भाव पक्ष की ये है, कला पक्ष की पूछे तो छंद अलंकार तत्सम तत्वावली भाषा शैली और जो लोगों के मुहावरे ये इसमें ऐड कर देना, नहीं पूछे भाव पक्ष पूछे तो ये रहने देना, कबीर का समाज सुधार के रूप में पूछे तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आने वाले मैं फिर चर्चा करूँगा आपसे, जब तक कि मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आप एक बार शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ। बादशाह खुश रहें, हमेशा पढ़ते रहें, राम राम।